तो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक रियल में। मेरा नाम सत्येंद्र राजपूत और आप देख रहे हैं टेक रियल। टेक रियल में आपका स्वागत है। वैसे आपने थंबनेल देखा होगा और आप भी सोच रहे होंगे कि एक ईयरफोन में दो अलग अलग गाने कैसे सुन सकते हैं, तो बिल्कुल सही बात है और मैं आपको विद प्रूफ आपको करके दिखाऊंगा और समझाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो बिल्कुल स्कैप ना कीजिए, और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि एक ईयरफोन में अपने एक फ़ोन से और एक ही ईयरफोन में अपने आप एक साथ दो गाने कैसे सुन पाएंगे, क्या प्रोसीजर है, सारा कुछ बताता हूँ समझाता हूँ। तो सबसे पहले आपको आना होगा प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में आने के बाद आपको एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है स्प्लिट क्लाउड। तो सिंपली आपको प्ले स्टोर की सर्च टैब में सर्च करना होगा स्प्लिट क्लाउड। तो सिंपली मैं सर्च करके आपको दिखाता हूँ, और उसका क्या लोगो हो गया, क्या इंटरफेस होगा उस एप्लीकेशन का, वो भी दिखाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या करना होगा, तो जैसे ही आप स्प्लिट क्लाउड को सर्च करेंगे उसके बाद जो इंटरफेस होगा, जो उस ऐप का लोगो होगा, कुछ इस प्रकार होगा। तो सिंपली आपको इसको कर दें इंस्टॉल। इंस्टॉलिंग के बाद नेक्स्ट क्या करना है बताता हूँ। तो अभी इंस्टॉलिंग की प्रोसेस में अभी ऐप इंस्टॉल हो जाएगा, जैसे उसके बाद नेक्स्ट आपका जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल होकर आपका आ जाएगा कुछ इस प्रकार की मोड में। आप देख पा रहे होंगे डिस्प्ले में, जो अभी मेरा फ़ोन थोड़ा स्लो है, अभी ओपन होकर आ जाएगा और आप देख पा रहे हो कि सामने दिखाई दे रहा है स्प्लिट क्लाउड और स्कैनिंग, यानी कि आपका मोबाइल स्कैन कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आपको सबसे नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं एक मोर ऐप्स एंड ओपन, तो सिंपली कर देना आपको ओपन पे क्लिक। तो जैसे मैं अभी करके दिखाता हूँ, तो जैसे आप ओपन पे क्लिक करोगे तो जो आपका एप्लीकेशन है, जो स्प्लिट क्लाउड एप्लीकेशन है, वो खुल के आ जाएगा। और यहाँ पर आपको मांगेगा एक एक्सेस, लिखा है अलाउ स्प्लिट क्लाउड टू एक्सेस फोटो मीडिया एंड फाइल योर डिवाइस। तो सिंपली कर देना है आपको अलाउ। अलाउ के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे दो टैब दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि एक दो म्यूजिक के टैब दिखाई दे रहे हैं। तो सिंपली आपको अगर आपको तो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड का, तो इस पर लिखा है टैब टू लोड लेफ्ट साइड ट्रैक। तो सिंपली आपको कर देना है इस पर क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करोगे अपने अकॉर्डिंग अपने डिवाइस से, अगर आप चाहो म्यूजिक को यहाँ से ऐड कर सकते हो, अगर ऑनलाइन चाहो ऑनलाइन ऐड कर सकते हो। मैं एज ए डेमो मैं सिर्फ ऑनलाइन ऐड करके आपको दिखा रहा हूँ, तो मैं कर लूँगा एक म्यूजिक को सिलेक्ट। तो सिंपली कर लिया मैंने एक म्यूजिक को सिलेक्ट। उसके बाद अब ये लेफ्ट साइड का था, उसके बाद जो अब मैं इस म्यूजिक को सिलेक्ट करने के बाद अब राइट साइड के म्यूजिक को भी सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखें ये सिर्फ आपको ईयरफोन में ही सुनाई देगा, इस चीज़ का ध्यान रखें, आपको ईयरफोन लगा के ही चेक करना है, ठीक है। और इसके बाद मैं अभी राइट साइड के म्यूजिक को लोड कर दूंगा, तो उसे जो लिखा है टैप टू लोड राइट साइड ट्रैक, तो सिंपली कर दूंगा उसी प्रकार से ऐड इसको, और नेक्स्ट उसके बाद दोनों म्यूजिक कर दूंगा प्ले, ठीक है। तो आप अपने ईयरफोन को लगा लें, उसके बाद आप जैसी आप दोनों गाने को एक टाइम में बजाएँ, ठीक है, और एक टाइम में जब प्ले करेंगे और आप अपने ईयरफोन लेफ्ट में अलग गाना सुन पाएंगे, लेफ्ट राइट में अलग गाना सुन पाएंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए, अगर वीडियो रियल लगे, तो उसके बाद आप प्लीज इसको लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, जिससे कि वो भी समझ सके कि कोई ऐसी ट्रिक आ चुकी कि एक ईयरफोन में दो अलग अलग गाने कैसे सुन सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं।